नमस्कार दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पीएम किसान पोर्टल पर जहाँ पर हम न्यू फार्मर को रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कैसे यहाँ पर होता है अगर आप यहाँ पर अप्रूव हो जाते हैं तो आपको हर साल यहाँ पर छः हज़ार रुपये मिलते हैं तो देख सकते हैं कैसे कैसे यहाँ पर करना है मैं आपको स्टेप बाई स्टेप करने वाली हूँ तो यहाँ पर राइट साइड में देख रहा होगा आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का बटन तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो आप ये पेज पर आ जाओगे यहाँ पर से आपको देखने मिलेंगे रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन और अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन तो आपके एरिया के हिसाब से आप सिलेक्ट कर लेंगे आप रूरल एरिया में रहते हैं और बन एरिया में उसके बाद आपको नीचे दिखाई देंगे आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डालने के ऑप्शन यहाँ पर आपकी आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे स्टेट के ऑप्शन आ जाएगी तो जैसे स्टेट पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा सारी स्टेट आपके हिसाब से आपकी जो भी स्टेट है उसको सिलेक्ट करने के बाद आपके नीचे कैप्चा के ऑप्शन आ जाएगी कैप्चा डाल देना है उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं यहाँ पर से मैंने कैप्चा डाल के गेट ओ पर मैंने क्लिक कर दिया है यहाँ पर से मेरे पास ओ टी पी आ चुका है देख सकते हैं यहाँ पर से मुझे क्या करना है ओ टी पी डाल देना है ओ टी डाल देने के बाद यहाँ पर फिर से कैप्चा आ जाएगी उस कैप्चा को डालने के बाद गेट ओ पर फिर से क्लिक कर है जैसे गेट ओ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर से आधार नंबर डाला था उस आधार नंबर पे आपके पास ओ आ जाएगा तो देख सकते हैं से मेरा जो फास्ट ओ था उसको डाल दिया उसके बाद मैंने कैप्चा डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया ओ टी पर आ चुका है ऑप्शन देख सकते हैं नीचे आ चुका है ओ डालने के बाद फिर से जो मेरा था कैप्चर कोड उसको डाल देने के बाद सबमिट पर क्लिक किया तो फिर से यहाँ पर मेरा आधार ओटीपी भी आ जाएगा देख सकते हैं आधार कार्ड का साथ जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओ टी पी आ चुका है इस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है नीचे जो कंसेंट गिविन हुआ है उस पर टिक कर देना है उसके बाद जो वेरीफाई नाव लिखा हुआ है उस पर आधार वेरीफाई होने के बाद देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है जहाँ पर शाम को डिटेल बनना होता है फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन हो चुका है तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आधार से फेस के भी शो कर रहा है कुछ डिटेल अपने से ही डालना होता है तो देख सकते हैं पिन आपको ऊपर दिखाई दे रहा स्टेट डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और विलेज के ऑप्शन डालने के लिए जैसे आप स्टेट से लो करेंगे तो आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वगैरह होगा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे ब्लॉक चूज कर लेंगे आपको विलेज भी वहाँ पर शो हो करा होगा उसको चूज कर लेंगे वो करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको फार्मर पर्सनल डिटेल डालना होता है ऑटोमेटिकली आधार से आपका फार्मर नेम और जेंडर पेचअप हो चुका होगा आपको सिर्फ आपकी कैटेगरी और फार्मर टाइप को

बिछाएँगे तो आर ऑप्शन शो करा होगा जैसे आप आर ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको शो करा होगा आर लैंड डिटेल जहाँ पर आपको खाता नंबर खसरा नंबर एरिया लैंड एक्सपोर्ट स्टाटस लैंड एक्सपोर्ट डिटेल और आपकी जो लैंड की डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करना होता है तो सक्सेसफुली आपकी लैंड डिटेल डाल देने के बाद यहाँ पर से आपको का करते है तो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगी उसके बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाएगा तो जैसे आप सबमिट कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी इससे करके आप यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं जैसे अप्रूव हो जाएगी तो आपको हर साल छः हज़ार रुपये मिलना होगा अगर आप चाहते हैं न्यू फार्म रजिस्ट्रेशन करना और आपको हर साल छः हज़ार मिलेगा तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं खुद से अपने मोबाइल से और कोई दोस्तों को चाहिए वो इस दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कर खुद अप्लाई करके खुद फार्मर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और हर साल छः हज़ार रुपये भी ले सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू